नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स को एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अक्टूबर के महीने में, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज हुए हैं अक्टूबर 2021 में, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम इस करंट अफेयर सेशन में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये करंट अफेयर सेशन है, टोटली जो फोकस्ड है वो एसएससी एग्जामिनेशन के ऊपर में, खासकर एसएससी CHSL examination के लिए है। क्योंकि आप सभी को पता है कि competition community द्वारा एक initiative लिया गया है, जिसके तहत हमारे YouTube channel पर free course पढ़ाया जा रहा है SSC CHSL examination के तहत, और उसी course का हिस्सा है ये current affair भी। तो आज के इस lecture में हम उसी series के तहत October 2021 के महीने के जितने भी important topics हैं, उन सब को आज हम यहाँ cover करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप सभी को दे भी दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी अपना 2022 हेतु कैलेंडर भी जारी कर चुका है, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल का जो है आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस पर भी एक वीडियो बनाया गया है सौरभ सर के द्वारा, जो कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं एसएससी के लिए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी पर खास आपका फोकस है, आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी से जुड़कर आप कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल के लिए भी आने वाले समय में कॉम्पिटिशन कम्युनिटी कुछ प्लान कर रहा है, जो कि आपको मिलने वाला है यूट्यूब पर ही, और वो भी लगभग निःशुल्क ही होगा। तो आप अगर पूरी तरह से फोकस हैं अपने कैरियर को लेकर, एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर, तो हमारे साथ जुड़कर आप एसएससी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कैलेंडर जिस हिसाब से जारी किया गया है उसी हिसाब से हम आपको आने वाले समय में एसएससी का भी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं, खासकर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसे हम एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे, और ये जो लेक्चर है खासकर फोकस है एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, खासकर एसएससी सीएचएसएल में देखा गया है जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो पूरे साल भर में हुआ करते हैं, वहां से क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछा करता है। तो ये पहला जो अपॉइंटमेंट है वो है अमित खरे से संबंधित। अमित खरे को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अमित खरे के बारे में भी जानना है आपको, और प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है हाल ही में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हे बनाया गया है, तो नाम आपको पता होना चाहिए अमित खरे। अमित खरे कौन है? पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर, डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री का, और आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें बहुत ही अहम योगदान निभाया था अमित खरे ने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिलीज हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। तो अमित खरे को 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अमित खरे सितंबर 2021 के महीने में आईएएस के पद से रिटायर हो चुके थे, और कौन से कैडर से आते, तो झारखंड कैडर से 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहे थे, और इन्हें जो है एक एग्रीमेंट के तहत प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, और 2 साल की अवधि के लिए जो है इनकी नियुक्ति की गई। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनकी नियुक्ति किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो अमित खरे के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों के लिए, खासकर 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है आपातकालीन उपयोग के लिए। और ये वैक्सीन कौन सा होगा, तो भारत में ही निर्मित कोवैक्सीन होगा। COVID-19 पर विशेषज्ञ समिति ने 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दे दी गई है। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी गई है, तो आंसर क्या होगा आपका, कोवैक्सीन। याद रखिएगा, सिफारिश को भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DGCI को सौंप दिया गया है, जो कि अंतिम मंजूरी देता है। DGCI क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि DGCI भी है एक इंपॉर्टेंट एजेंसी हो जा रहा है, खासकर COVID-19 के दौर में DGCI का नाम हमें बार बार सुनने को मिला है, तो इस पर भी हम एनालिसिस जरूर करेंगे। DGCI का फुल फॉर्म क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगर सरल शब्दों में DGCI को देखें, तो आप तक जो भी दवाई पहुंचता है
वो बिना डीजीसीए के अप्रूवल के नहीं पहुंच सकता। तो जब तक डीजीसीए अप्रूव ना कर दे तब तक आपके पास कोई भी दवाई नहीं पहुंच सकता। और डीजीसीए जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है, और सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये भी याद रखिएगा कि डीजीसीए जो है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है, और ये इसके अंडर में ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके प्रमुख कौन है, कौन सा है, ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर वी सी अभिजी सोनवानी। और डीजीसीए को एक एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इस बात को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है, खासकर अगर देखोगे एसएससी के एग्जामिनेशन में या फिर रेलवे बैंकिंग के एग्जामिनेशन में भी खासकर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे इंटरनेशनल इंडेक्स जारी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा किसी प्रमुख एजेंसी द्वारा इंडेक्स जारी हो, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स हो जाता है आपका हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, ग्लोबल स्थिति किस प्रकार से है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये चार पांच पॉइंट बन जाते हैं इस इंडेक्स के आधार पे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 को हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें 2020 से अगर हम भारत को कंपेयर करें तो इसमें 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, और इस वर्ष भारत की जो स्थिति है वो 90 रैंक पे है भारत। अच्छा, इस इंडेक्स को रिलीज क्यों किया जाता है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो ये सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट यानी कि ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट के रूप में सूचीबद्ध करता है। ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि कौन से देश के पासपोर्ट सबसे ताकतवर है। सबसे ताकतवर का मतलब ये हुआ कि उस पासपोर्ट के जरिए बिना वीजा का कितने कंट्री में ट्रैवल किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन से देश का ऐसा पासपोर्ट है जिसकी मदद से दुनिया में बिना वीजा का सबसे ज्यादा ट्रैवल किया जा सकता है। तो इस साल के रैंकिंग में जापान और सिंगापुर एक ये दोनों ऐसे कंट्री हैं जिसके पासपोर्ट के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिना वीजा का ट्रैवल किया जा सकता है। यानी कि जो कंट्रीज है, विभिन्न कंट्रीज है, वो इन दोनों देशों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग बिना वीजा का भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो 192 देशों में बिना वीजा का ये ट्रैवल कर सकते हैं जापान और सिंगापुर। जापान लगातार तीसरे वर्ष से पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आपका दक्षिण कोरिया और जर्मनी आ जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान सबसे कम शक्तिशाली देशों में है पासपोर्ट के मामले में। यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ के लोग बिना वीजा का ट्रैवल ना के बराबर करते हैं। तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है इन कंट्रीज का है, और यह इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा जो है उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक, इस इंडेक्स को जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो लंदन स्थित हेले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे तैयार किया जाता है। 199 पासपोर्ट और 227 डेस्टिनेशन इस इंडेक्स में शामिल हैं, और इसे पहली बार जो है 2006 में जारी किया गया था। तो इस इंडेक्स को लेकर आपको एक पॉइंट से आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत की PSUs कंपनीज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, विनिगत, नवरत्न और महारत्न। महारत्न जो होता है वो सबसे बड़ी कंपनी, यानी कि इसका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बहुत आप कह सकते हो कि भारत के सबसे शक्तिशाली PSUs में जो है वो महारत्न के कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्न की श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बनी हुई है, यानी कि PSUs बन गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने महारत्न कंपनी है वर्तमान समय में महारत्न दर्जा का, तो आंसर लेना है 11, से पहले 10 था।
फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्यारह में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार के वित्त पोषण एजेंडे और 2030 तक 40% जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है उसे हासिल करने में एक सक्षम योगदान भी वर्तमान समय में निभा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए छोटे से कुछ लाइनें कि आखिर किस कंपनी को या फिर एलिजिबिलिटी क्या है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने का। तो इससे दर्जा प्राप्त करने के लिए जो लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक नेट प्रॉफिट कमा रही है जो कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, उसे आप महारत्न का दर्जा दे सकते हो। इसके अलावा 3 वर्षों के 25,000 करोड़ रुपए का आप वार्षिक कारोबार भी होना चाहिए प्रॉफिट के साथ साथ, तो उस कंपनी को जो है महारत्न का सरकार द्वारा दर्जा दिया जा सकता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जैसे फाइनेंस नाम से ही क्लियर है कि पावर सेक्टर में ये फाइनेंस के जरिए उन कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है ताकि वो बेहतर कार्य कर सके, अपने आप को ऊपर उठा सके, पावर के क्षेत्र में कार्य कर सके। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि यह भारत के विद्युत क्षेत्र का वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और इसे जो है 1986 में स्टार्ट किया गया था, जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर में कार्य करता है और 30 सितंबर 2018 तक इसकी कुल संपत्ति 383 अरब रुपए का है। क्लियर। अब भारत में टोटल महारत्न कंपनी की महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की स्थिति किस प्रकार से है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया कौन सा 11वां। अब 10 कंपनी कौन कौन से है, 10वां कंपनी कौन था, तो पावर ग्रिड, जिसे कि 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। बाकी अगर देखोगे कि और लोग कौन कौन से हैं, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कब इसे महारत्न का दर्जा दिया गया, तो पूरा लिस्ट आपके सामने है। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा जहाँ पीएचएसएल का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है, वहां से आप इन सबको पढ़ सकते हैं, एक सारे लिस्ट आप देख सकते हैं अच्छे से। अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में रैंकिंग नहीं दिया जाता बल्कि एक आंकड़ा दिया जाता है कि टोटल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति किस प्रकार से है, ग्लोबल सिचुएशन किस प्रकार से है, इंडिया का सिचुएशन किस प्रकार से है, या फिर कॉन्टिनेंट का सिचुएशन किस प्रकार से है, ये आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आपके लिए सबसे पहले पॉइंट पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा इसे जारी किया जाता है और इस सूचकांक में 109 देशों और 5.9 अरब लोगों के डेटा का आकलन करके रिलीज किया गया है 2021 के अनुसार इस डेटा को। अब ग्लोबल डेटा हम देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला इसमें रैंकिंग नहीं दिया जाता है, एक आंकड़ा बताया जाता है कि किस प्रकार से ग्लोबल सिचुएशन और किस प्रकार से कॉन्टिनेंट वाइज सिचुएशन है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1.3 बिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो लगभग 8 बिलियन के आसपास है, जिसमें से 1.3 बिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर है, यानी कि सारे एंगल, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे स्वास्थ्य की चीजें हो, चाहे आप लिविंग स्टैंडर्ड की चीजें हो, इन सारे मामलों में वो गरीबी रेखा से नीचे है। और इनमें से लगभग आधे 644 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरी में आते हैं और लगभग 85% जो भी जितने भी बहुआयामी आदमी गरीब हैं उसका 85% उपसहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 556 मिलियन या फिर साउथ एशिया पर भी टूलियन साउथ एशिया इंडिया जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल भूटान, ये सारे कंट्रीज में 532 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और 67% से अधिक जो है मध्यम आय वाले कंट्रीज में लोग रहते हैं जो मल्टी डायमेंशनल करेंगे। अगर हम भारत के व्यू से देखें तो इसमें 6 मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों में से 5 निचली जनजातियों में से आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स 9.54% लोग, अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट 33.3% लोग और अदर बैकवर्ड क्लास 27.2% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर में है और भारत में लगभग 12% जनसंख्या महिला प्रधान परिवार में रहते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरी में आते हैं। अब टोटल इंडिकेटर्स आप इस इंडेक्स को जारी करने का देखोगे तो इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल इंडिकेटर्स कितने होते हैं, 10, और इस इंडिकेटर्स का जो मेन इंडिकेटर्स हैं वो 3 हैं। पहला हेल्थ
एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और इन तीनों में अगर देखोगे तो किस किस तरह से अगर टोटल हम इंडिकेटर्स को मिला दें तो टोटल इंडिकेटर्स हो जाते हैं 10। तो इंडिकेटर्स में आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टी टाइम्स ऑफ ओवरटेक इंडेक्स में टोटल कितने इंडिकेटर्स के तहत में रैंकिंग रिलीज किया जाता है, तो 10 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2021 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से जो उन्होंने अपना वसीयत तैयार किया था 1895 में, उसके बाद पांच कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। पांच कैटेगरी कौन था, तो केमिस्ट्री साइंस, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स साइंस और मेडिसिन में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार इस वसीयत के आधार पर 1901 में दिया गया। और इसके अलावा बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, जिसे एस्टैब्लिश किया गया 1968 में, और पहली बार इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है 1969 में दिया गया। तो ये तो बात हो गई नोबेल पुरस्कार की। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में वर्ष 2021 में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स साइंस की बात करें, भौतिक विज्ञान की, तो स्क्योरो मोंडे और क्लाउस हेसलमैन और तीन इंसान को एक साथ दिया गया, और तीसरा नाम है जियोर्जिया पेरिसे। इन तीनों को जो है 2021 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। तो इनका योगदान क्या था, तो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करते हुए जो परिवर्तनशीलता होता है ग्लोबल वार्मिंग का, किस प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है, उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए और उस पर बेहतर कार्य करने के लिए जो है इन तीनों को फिजिक्स साइंस का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर हम केमिस्ट्री साइंस की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को जो है वो केमिस्ट्री का वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस योगदान के लिए दिया गया, तो केमिस्ट्री साइंस में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिसिस के विकास के लिए जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, उनका योगदान भी रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उनके योगदान से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस योगदान के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो डेविड जूलियस और अर्डन पाटा पाउंटियन को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका योगदान क्या है, तो इनका योगदान जो है टेम्परेचर और स्पर्श के लिए सेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए इन्हें जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम अगर बात करें पीस के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो नाम आ जाता है मारिया रसा और डिमित्री मुराटोव को। इनका योगदान क्या है, तो शांति में इन दोनों ने लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। लिटरेचर यानी कि साहित्य क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो अब्दुल रज्जाक गुमराह को दिया गया है, और इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृति और जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए और दोनों के बीच में जो खाई होता है जो कंट्रीज माइग्रेंट्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं और उन दोनों के बीच में जो खाई उत्पन्न होता है उसे भरने के काम पर इन्होंने बहुत अच्छा लेखन किया, और इसलिए जो है इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। किसलिए, तीनों स्कॉलर्स ने लेबर मार्केट इफेक्ट्स, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स और कॉज एंड इफेक्ट्स के नए आयाम प्रस्तुत करने के लिए जो है तीनों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार खासकर आप ध्यान रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक आपका एसएससी एग्जामिनेशन के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का हिस्सा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसे शुरू किया गया 13 अक्टूबर 2021 को, घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2021 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और यह मास्टर प्लान एक ही मंच पर 16 मंत्रालयों को लाकर एक साथ काम करने, अब एक साथ काम करने का मतलब क्या है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट है,
अब उस प्रोजेक्ट के लिए काफी सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, तो इसमें काफी समय बीत जाता है सिर्फ अप्रूवल लेने में ही। तो अगर इस योजना के तहत एक सिंगल विंडो प्रदान कर दिया जाए किसी एजेंसी को, तो कार्य जो है बहुत फास्ट होगा। और इसी यही कार्य हो रहा है किसके तहत, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के तहत, और इसी के तहत पीएम गति शक्ति योजना को शुरू किया गया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, एक सिंगल विंडो प्रदान करना है किसी भी प्रोजेक्ट को इसके तहत। अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन को शुरू किया गया है, डिजिटल रूप से इसका लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। डेट याद रखें 11 अक्टूबर 2021 को। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। यानी कि अगर कोई कंपनी स्पेस के सेक्टर में कार्य करना चाहता है, कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है, तो ये किसके अंडर में कार्य करेगा या फिर इसे रेगुलेट कौन करेगा, तो ये कंपनी का नाम होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि भारतीय स्पेस संघ। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन सा आ जाता है, नेल को आ जाता है जो कि टाटा समूह का है, भारती एयरटेल आ जाता है, लार्सन एंड टुब्रो आ जाता है, मैप ऑफ इंडिया आ जाता है, वन ग्लोब आ जाता है, वाल्चन नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसके संस्थापक में से, जिसका शुरुआत जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को किया गया। यहाँ रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कार्य वही है कि बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके और स्पेस इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में आपको पता है कि बहुत आगे जाने वाला है, तो इस कंपनी यानी कि इस एसोसिएशन का जो कार्य होगा बेहतर तरीके से मार्केट उपलब्ध कराना होगा स्पेस रिलेटेड जो भी कार्य करने वाले हैं वो। और भारत अगर आप ये देखोगे तो स्पेस इंडस्ट्रीज ने 2019 में $7 बिलियन का जो है योगदान पूरी दुनिया के अंतरिक्ष को दिया। ठीक, आगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 अवार्ड से रिलेटेड भी एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसी के स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर साल यह वैज्ञानिकों को विज्ञान और यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। देखते हैं इसके बारे में आपको जानते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए कि जिन 11 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार से है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बायोलॉजिकल साइंस की श्रेणी में अमित सिंह को दिया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि IIT कानपुर से भी बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में अरुण कुमार शुक्ला को भी दिया गया है। केमिस्ट्री साइंस की श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया गया है, यह बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रेजेंट टाइप पर कार्यरत है। इसके अलावा केमिस्ट्री साइंस की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एक और व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है डॉक्टर टी गोविंद राय। क्लियर, चलिए इसके बाद अगर हम देखें और कौन कौन है, तो पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनीत कुमार, और इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, और गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर सौकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जीवन को दिया गया है, और इसके अलावा एक कैटेगरी और आ जाता है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जी, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और इसके अलावा भौतिक साइंस में डॉक्टर कनक को दिया गया है। तो इस तरह से आप इतने नामों को ना याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर हाँ एक बार आपके दिमाग में आप इन चीजों को सुनिए तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, चार ऑप्शन दे दिया जा रहा है, तो आंसर आपको कर सकते हो अगर सुन लिया है। लेकिन यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुल कितने लोगों को जो है वो पुरस्कृत किया गया, फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों के लिए दिया जाता है, और इसका जो नाम है वो CSIR के संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ही दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में, तो इसका जो टोटल ओवरऑल इंडिया में 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39
दूर दराज यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इसके सेंटर स्थापित किए गए और 3 इसके इनोवेशन सेंटर भी है जो 5 इकाइयों में एक सक्रिय नेटवर्क के रूप में स्थापित है। स्थापना इसे 1942 में किया गया था। इसका मेन जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और साइंस एंड टेक मंत्रालय द्वारा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट यानी क्या कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है इस एजेंसी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में इसे अडॉप्ट किया गया और 2008 से प्रत्येक वर्ष जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है जागरूकता फैलाया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है, आप नॉन वायलेंस करें, इसी से दुनिया जो है वो शांति में रह सकती है। महात्मा गांधी जी के उपदेशों को इस दिन जो है जोर शोर से बढ़ाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे बड़ा खाली राष्ट्रीय ध्वज निर्मित किया गया है और इसे कहां पर प्रेजेंट किया गया है इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया जो कि खादी से बना हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग जो कि खादी से निर्मित किया गया है कहां पर इसे मतलब लगाया गया है? तो लेह में लगाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसे तैयार किया गया था और यह झंडा करीब 225 मीटर लंबा और 150 फीट चौड़ा था और इसका वजन करीब 1400 किलो था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बात करें, अगर हम इस कमीशन की बात करें तो इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था जिसका नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी भी तैयारी लीजिएगा। सांविधिक है यानी कि एक स्टैचुरी बॉडी है जिसे की स्टैचुरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में एक बिल के तहत इसे बनाए गए हैं, एक एक्ट पारित कर दिए और यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंतर्गत करता है। इस आयोग या आयोग कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करता है इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। पैंडोरा पेपर लीक क्या है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा कि पैंडोरा पेपर लीक जो ऐसे दस्तावेजों को संभालता है जहां पर जो इलीगल मनी है या फिर जो करप्शन वाला मनी है उसे कहीं ना कहीं लोग छिपा के रखते हैं, ऐसी अधिक संपत्ति जिनके पास होती है वो कहीं ना कहीं छिपा कर रखते हैं। पैंडोरा पेपर लीक इन्हें उजागर करने का कार्य करता है। सरल शब्दों में पैंडोरा पेपर लीक को इस तरह से समझ सकते हो, पैंडोरा पेपर लीक से भी पहले इस तरह के पेपर्स लीक पेपर्स आ चुके हैं जैसे हम पढ़ते थे पनामा पेपर लीक्स 2016 के समय में आया था, पैराडाइज पेपर 2017 में और 2021 में पैंडोरा पेपर लीक्स। इसमें बताया गया और अब तक का सबसे हैवीएस्ट फाइल जो है कौन सा है, पैंडोरा पेपर है या पनामा पेपर है या पैराडाइज पेपर है, कौन सा लेना है आपको, कौन सा पैंडोरा पेपर लीक जिसका साइज है 2.94 GB, टोटल फाइल है लगभग 1,19,00,000 के आसपास, टोटल सोर्सेज हैं 14। तो इस तरह से पैंडोरा पेपर्स के बारे में आप याद रखिएगा जिनमें 60 से अधिक भारतीय प्रसिद्ध लोग, 300 से अधिक जो है भारतीयों का नाम है और 60 से अधिक जो है इसमें प्रसिद्ध लोग हैं भारत के ही और इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनिशिएटिव जर्नलिस्ट ने तैयार किया है पैंडोरा पेपर्स को। किसने पैंडोरा पेपर्स को तैयार किया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि पैंडोरा पेपर्स आखिर है क्या, तो सरल शब्दों में मैंने आपको बताया था, फिर भी आप पढ़ लीजिए, पैंडोरा पेपर लीक जो है दुनिया भर के करीब 12,012,000,000 दस्तावेज उत्तीर्ण रखने वाले के बाद दुनिया में चल रही पैसों की लेन देन, जो इलीगल मनी है उसका लेन देन कहाँ जमा है, कैसे जमा है, इन सारी छिपी हुई जानकारी, संपत्ति, टैक्स जो चोरी करके बचाया जाता है पैसा, उन सब तरीकों को जानने के लिए दुनिया में कुछ अमीर शक्तिशाली लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये खुला सका है। क्लियर? पैंडोरा पेपर्स के बारे में याद रखिएगा, कैसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के पहले मलेरिया टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला मलेरिया का टीका कौन सा है, तो ये है आपका RTS/S/
ASO1। तो इसका नाम याद रखिएगा, आपसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहले मलेरिया टीका का नाम क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को इस मलेरिया वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है और यह एक टीका है, यानी कि एक वैक्सीन है जो दुनिया का पहला वैक्सीन है मलेरिया के लिए। और एक साल में लगभग, आपको पता है कि एक साल में लगभग 4 लाख लोगों की मौत जो है वो मलेरिया से हो जाता है। और अधिकांश मौतें हैं जो आज के समय में, पहले तो साउथ एशिया में बहुत मलेरिया से मौतें हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो मलेरिया से प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा मौतें होती है। वैक्सीनेशन, इस वैक्सीन को तैयार करने में अगर आप देखोगे तो शुरू हुआ था 1987 में, 2003 में सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू हुआ, 2009-4 में थर्ड फेज का ट्रायल शुरू हुआ 7 अफ्रीकन कंट्रीज में, 2015 में ये की तरफ से इसे अप्रूव किया गया, कि पहले स्टेज पे इसे अप्रूवल 2015 में मिला और 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव किया, जहां मलावी, घाना, केन्या के साथ अफ्रीकन कंट्रीज में जो है इसे शुरू किया गया था। तो आप एक देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है कितना लंबा होता है। 1987 से शुरू हुआ और 2021 में फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव किया है। ठीक है, तो वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है 7 नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि डिफेंस सेक्टर में 7 नई कंपनी शुरू हुई है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया 15 अक्टूबर 2021 को। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसको भंग कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करने के बाद 7 नई कंपनी को स्टैब्लिश किया गया है जो वेपन से रिलेटेड कार्य करेगा, उस पर रिसर्च करेगा और भारत को जो है इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन से ये 7 कंपनी है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिक लिमिटेड और ग्लियर्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि GIL। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करके 7 कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी कंपनी को स्टैब्लिश किया गया, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब जो है भारी बहुमत से, यानी कि 14 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बनने के लिए बहुमत, यानी कि वोटिंग कराया गया, जिसमें वर्ष 2022 और 24 इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, तो 22 से लेकर 24 तक के लिए भारत को फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फिर से मेंबर नियुक्त किया गया है। अभी भी वर्तमान समय में भारत ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है, लेकिन इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, फिर से वोटिंग हुआ, तो फिर से भारत इस काउंसिल का जो है वो मेंबर बन चुका है। और यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में लिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सत्र आयोजित किया गया, तो 76वां सत्र आयोजित किया गया, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत के 193 सदस्य में से 184 मतों से अपना चयन किया गया, कि 193 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर्स बैठते हैं उसमें से 184 वोट जो है भारत को मिला है। भारत का वर्तमान कार्यकाल जो है 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर से इसका नया कार्यकाल 2024 तक के लिए शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इस परिषद का गठन जो है वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था और इसमें पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो है स्थान गया था, यानी जब यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया गया था तो उस समय ह्यूमन राइट से रिलेटेड काउंसिल नहीं हुआ करता था, कमीशन हुआ करता था, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। लेकिन वर्ष 2006 में इसे जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से मिलकर किया जाता है। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा, यानी कि 193 में से सिर्फ जो है 47 इसके मेंबर होते हैं। और 47 मेंबर किस प्रकार से होते हैं, यानी कि आप कहोगे कि 193 का इंक्रीज 47 मेंबर कैसे चुने जाते हैं, तो फिजिकल वितरण के आधार पर जो है, यानी कि भौगोलिक वितरण के आधार पर, जियोलॉजिकल वितरण के आधार पर जो है इनका चयन किया जाता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से 13 सीट है, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज से अगर आप देखोगे तो 13 जो मेंबर बनेंगे, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सामने बनते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन से भी 13 सीट है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश से भी 8 सीट है, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश से 7 सीट है और पूर्वी यूरोपीय देश से 6 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल जो सीट हो गया वो आपका
टिक सेवन हो गया, क्लियर। आगे अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। हाल ही में रिलीज किया गया, तो भारत को जो है 116 देशों में रैंकिंग क्या रखेगा, खासकर रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 116 देशों में भारत को मिला है 101वां स्थान। 2020 में अगर देखोगे तो भारत 94वें स्थान पे था, और भारत की स्थिति अगर इस इंडेक्स के अनुसार देखोगे तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है, यानी कि भुखमरी के स्थिति में। हालांकि इस पर इस इंडेक्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस इंडेक्स को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों है, लेकिन हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसीलिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरी स्थिति में, भारत भुखमरी के क्षेत्र में, और इस सूचकांक में चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 18 देश में जो है वो साथ में मिलकर शीर्ष स्थान जो है वो तैयार किया गया, और उन्हें 5 से भी कम GHI स्कोर मिला है इन टॉप कंट्रीज को। अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 100 तक का स्कोर इस इंडेक्स में प्रदान किया जाता है। अगर किसी का 100 है तो उसकी सबसे बुरी स्थिति है हंगर के मामले में, अगर उसका 0 है तो वहां पर कोई भी भुखमरी की स्थिति उस देश में नहीं पाया जाता, ठीक। अगर इस इंडेक्स के बारे में देखोगे तो यह वार्षिक रिपोर्ट है, रिपोर्ट है इसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कंजर्न मार्केट और वेल्थुम हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, फर्स्ट टाइम 2006 में प्रकाशित किया जाता है, और हर वर्ष देखोगे तो यह अक्टूबर के महीने में रिलीज किया जाता है। इसके चार पैरामीटर होते हैं, अल्पपोषण यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बच्चों में शारीरिक विकास नहीं हो पाता, अल्पपोषण होता है, चाहे वेस्टिंग अगर हम देखें तो उनकी उम्र के हिसाब से उनका हाइट नहीं बढ़ता, सॉरी उनका वजन नहीं बढ़ पाता, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग हो जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग अगर आप देखोगे तो उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाता, वो चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर यानी कि मोर्टैलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट अगर हम इसकी बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ के देश का बाल मृत्यु दर इस प्रकार से है, उस आधार को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि GHI स्कोर जो है 100 तक होता है, जिसका स्कोर 100 के करीब होता है सबसे वर्स्ट कंट्री माना जाता है, और जिसका सबसे नीचे है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 है उसकी स्थिति बेहतर होती है, ठीक। अगला, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया, यानी कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों एक ही मालिक का है, यानी कि मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जो इन तीनों का पैरेंट कंपनी होगा उसका नाम होगा मेटा, क्लियर है। तो 28 अक्टूबर को फेसबुक INC. ने अपना नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म INC कर लिया है, अपने पैरेंट कंपनी का नाम। यह मेटावर्स नामक नई सराउंडिंग एवं सेल्फ तकनीक विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेटावर्स एक वर्चुअल वातावरण, मेटावर्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप अभी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जैसे मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो उसे टच करते हो, गेम खेलते हो तो उसे टच करके गेम खेलते हो, लेकिन मेटावर्स में क्या होता है कि आप वर्चुअल रूप से आप गेम के अंदर जा सकते हो, कुछ गैजेट्स आते हैं जैसे आप पहन लो तो आप खुद जाकर वहां पर फाइट कर सकते हो, गोली चला सकते हो मेटावर्स में, तो आप वर्चुअली रूप से जो है आप उसके अंदर जा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। याद रखिएगा जो फेसबुक का पैरेंट कंपनी है वो अब मेटा कहलाएगा। अगला जो टॉपिक है 16वां ईस्ट एशिया समिट, तो हाल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को 16वां ईस्ट एशिया समिट में वर्चुअली रूप से भाग लिया गया, और 28 अक्टूबर को भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष बुलने के आमंत्रण पर 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। तो हमको यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ना है, पहला ईस्ट एशिया समिट क्या है, और 2021 का कौन सा समिट आयोजित किया गया, तो 16वां समिट आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमें पढ़ना है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, तो कौन सा शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये है आपका 18वां शिखर सम्मेलन, क्लियर। तो अब इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, और इस शिखर सम्मेलन में जो अध्यक्षता था इसका वो किसके पास था, तो बुलने के पास था। यह शिखर सम्मेलन आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेगा, पॉलिटिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज पे यहाँ पर बात होते हैं, और इन राजनेताओं ने यानी कि इन कंट्रीज के जो भी देश हैं और वहाँ के जो भी प्रमुख हैं उनके द्वारा भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है, कौन से वर्ष को, 2022 को,
कहा गया कि भारत और आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कौन से वर्ष? 2022 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 2022 में इन कंट्रीज़ मैत्री वर्ष मनाया जाएगा भारत के साथ मिलकर। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, नाम से ही क्लियर है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, यानी कि साउथ ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से अधिकांश जो है आसियान के मेंबर है। तो यह एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को आपस में बढ़ावा देने के लिए दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है। एस्टैब्लिश 1966 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में किया गया। 10 देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया देशों के यानी कि साउथ ईस्ट कंट्रीज के, जिसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आ गए, वियतनाम आ गया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ब्रुनेई के पास में 2021 की अध्यक्षता है, हर साल एक एक कंट्री के पास में अध्यक्षता जाते रहता है। ठीक है, तो ये 10 मेंबर है आसियान कंट्रीज का, याद रखिएगा, पर भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अब आसियान के बारे में हमने पढ़ा, अब इस एशिया समिट के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 2005 में इसे स्थापित किया गया था और इंडो पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान कंट्रीज के साथ में मिलकर ईस्ट एशिया समिट आयोजित किया गया था। और ईस्ट एशिया समिट के अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो इसमें टोटल 18 सदस्य हैं, जिसमें से जो 10 सदस्य हो गए वो कौन है? आसियान, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, और 8 अन्य देश है। तो ये 8 अन्य देश में कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य यानी कि साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने कंट्रीज आते हैं वो सारे लगभग हैं। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? तो ये है आपका भारत और यहाँ पर आ जाता है आपका क्या? इंडियन ओशियन। तो इस रीजन से लेकर ये पूरा जो पैसिफिक रीजन है ये पूरा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लोग जो है इस ईस्ट एशिया समिट की मदद से कार्य करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार की तरफ से दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 में के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से विभिन्न लोगों को प्रदान किया गया तो ये कौन से क्रम का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था? आंसर नंबर 67वां। ठीक है, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेता जो कि 51वां था, किसे प्रदान किया गया? तो रजनीकांत को प्रदान किया गया। 50वां किसे दिया गया था? पिछले वर्ष अमिताभ बच्चन को दिया गया था, याद रखिएगा। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का सम्मान जो है दिया गया। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को, तीनों को एक साथ। अब इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है, प्रियदर्शन की मलयालम काल के महाकाव्य मरक्कर लाइट ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया। तो फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस कौन सा है? तो मरक्कर लाइट ऑफ द अरेबियन सी। और सुशांत सिंह राजपूत की अभिनय छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार दिया गया। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में भी 2-4 पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार समारोह है, इसकी स्थापना 1954 में किया गया था और इसे 1973 भारतीय पैनोरमा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशक द्वारा प्रतिवर्ष प्रसारित किया जाता है। क्लियर, अगला जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10वां संस्करण जो है हाल ही में प्रकाशित किया गया है और इस इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का जो एम होता है वो ये होता है कि किसी देश में लोगों के पास में खाने की स्थिति किस प्रकार से है उसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो भारत 113 देशों में 57.2 अंक के साथ 71वें स्थान पर है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, अमेरिका और फ्रांस देश जो है टॉप 10 में है। तो सबसे पहले आ जाता है सेकंड पर ऑस्ट्रिया, तीसरे पर फिनलैंड, फिर यूके और फिर बाकी कंट्रीज की स्थिति आती है। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कोटेवा एंड साइंस द्वारा प्रायोजित है, जबकि इसे लंडन बेस्ड इकोनॉमिक्स इंपैक्ट द्वारा डिजाइन और
निर्मित किया जाता है, यह सूचकांक हर साल प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह से वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने खास कर एसएससी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर फ्री, उसी का ये हिस्सा था। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिस जिस एंगल से आपसे क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, सबको हमने एनालिसिस किया है। तो अगला जो लेक्चर होगा करंट अफेयर का, उसमें हम नवंबर का एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद दिसंबर और जनवरी को भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले सारे महीने को। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।